आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन, जबकि ये अफवाह थी कि वहाँ पर किसान कम हो गए हैं, आज भी उतने के उतने किसान हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। देखिए लोग अभी भी अपनी मौज में यहाँ पर टाइम व्यतीत कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी खाने पीने की, रहने सहने की नहीं है। सारा जमाव, सारा पड़ाव, सब कुछ वहीं पर मौजूद है। देखें आप सारा हिंद टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट देखें आप। मजन सिंह है, जिला मुजफ्फरनगर, गांव सोरम। जी, आज उसके बारे में बताएं, आंदोलन के बारे में आप। आज 100 दिन पूरे हो गए जी उसके, उसमें आज उसके क्या लग रहा है आपको, जैसे आप लोग इतने टाइम वेस्ट कर रहे हो, हाँ, तो आपको क्या उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद तो हमें यही है, करवा के जाएंगे हम इनसे जी, करा के जाएंगे हम जो बिल वापिस इनसे से जाने के लिए, हम 3 बिल वापिस करा के जाएंगे। जैसे इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं जी, किसी तरह की कोई रहने सहने में खाने कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो सरकार की तरफ से किसी तरह का परेशानी तो आ जाती मोदी की तरफ, मोदी की तरफ तो परेशानी आ जाती, बाकी यहाँ योगी की सरकार है जी, योगी कोई परेशानी नहीं दे रहा, बिजली पानी योगी भिजवा रहा, सब सब कुछ मामला सही दे रहा, योगी तो सही दे रहा, मोदी का जो मोदी का आत्मा नहीं यहाँ सी, जो योगी का आत्मा है, योगी सही दे रहा। अब आगे को जैसे आपने इतने दिन 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं जी, इतने इतने दिन होने के बाद कुछ ना कुछ तो आपने मन में ठानी होगी। मन में ठानी है, नू बता रहे बड़े आदमी में, हमारा एक आदमी जो मेले में खोजा नहाण में, तो अगले साल नहाण में पाक रहे, अगले साल नहाण में पाओ गंगा जी पे, वो तो हम जड में आंदोलन जैसा जड लोग को हम यहीं रहेंगे, सर्दी तक यहीं रहेंगे हम। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ये जो आपने गुलाबी सी टोपी ओढ़ रखी है, इसके ये कुछ अलग संस्था है आपकी? अन्नदाता मंच मिर्जापुर विंध्याचल मंडल। एक मिनट, पुर से आया हुआ हूँ। मोदी सरकार द्वारा जो काला कानून लागू किया गया है उसके खिलाफ आंदोलनकारी जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, जो 100 दिन पूरे होने हुए को आया आज, उनके समर्थन में हम लोग कम से कम 10-12 लोग अन्नदाता मंच की तरफ से हम लोग आए हैं मिर्जापुर से। और ये आंदोलन कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से, कितने किलोमीटर? करीब 750 किलोमीटर जी। और जब तक माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, हम लोग अपनी आखिरी सांस तक ये कतरा बहा देंगे, ये संगठन को हम लोग मिटने नहीं देंगे। और जी जय हिंद। आगे से हटिए आप, आगे से हटिए, मेहनत दिखा रहे हैं हम लोगों की, मेहनत दिखा रहे हैं। हाँ बड़ा है हमारे लिए जी, कहीं घूमे हो जी चौहान साहब, फायदा होगा ही नुकसान ही होगा, फिर भी घूम के ही आना। थोड़ा नाम क्या है, एड्रेस जरा? मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ जी, और भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो कोल्लू में रस पिल रहा है, कोई गन्ने पिल रहे हैं, रस बन रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि जो तेल है महंगा हो गया है जी, बिजली महंगी हो गई है जी,
और सरकार किसानों को किसी की भी यानी के काम का नहीं छोड़ा जी। और किसान सीख रहे हैं कि हम लोगों को इसी तरीके से अपना काम चलाना पड़ेगा, तेल को छोड़ना पड़ेगा, और हम लोगों को अपनी मेहनत जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे उसी तरीके से बुजुर्गों के तरह ही हम लोगों को जीवन अपनी गोबर डाल के खाद की जगह पर खेती करनी है, भले कम हो और अपने आप ही इस तरीके से अपने जानवरों से जहाँ अपने आप लग के पूरा परिवार हम लोग अपना काम चलाएंगे। वो ही चीज़ सिखा रहे हैं लोगों को कि अब सरकार के भरोसे के रहने की ज़रूरत नहीं, किसान को सिर्फ नमक लेने की ज़रूरत है। किसान हर चीज़ अपने घर में पैदा कर सकता है और हर चीज़ वो बना सकता है। धन्यवाद। अरे आजादी के बाद देश में ऐसा पीएम नहीं देखा। यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ इसके अंदर जो लोग ये अनशन पर बैठे हुए हैं, कंधे पर काली पट्टी बांधे हुए हैं, ये जो सरकार ने तीन काले कानून ये बताते हैं उनके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भूखे रहकर और कंधे पर काली पट्टी बांधकर। जी हाँ, ये 6 मार्च की बैठे हुए हैं। अब कब तक बैठेंगे ये इनकी मर्जी है, लेकिन किसानों ने भूखे रहना भी शुरू कर दिया है। सरकार इनके ध्यान दे, बीच में वो भी बोल रहे हैं जो आपने काली पट्टी बांध रखी है इसका क्या कारण है? आज हमारे आंदोलन को 100 दिन हो चुका है। अरे अभी तक जो सरकार गुंगी बेरी जो सरकार है भी सुन नहीं रही। आंदोलन हमारा जारी है, जितनी देर तीनों कानून काले वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं एमएसटी पे गारंटी दें, तब तक किसान जितनी देर वापस नहीं लेंगे बिल तब तक किसान डटा है और डटा रहेगा। जो मतलब तादाद कम होती जा रही है किसानों की, अभी बताया था आपने, बताएं दोबारा जी, बताएं दोबारा। ये सरकार ने बहुत वार कर लिया किसान पर, इस आंदोलन पर। अब हम अपनी तैयारी में पूरे फिट, हमारा किसान खेत में काम कर रहा, वो आंदोलन से जुड़ा होया। सरकार अपना कदम उठावे उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। हम मानते हैं जैसी सड़क दिल्ली की ऐसी चांदपुर की और ऐसी धनौरे की, हम सरकार की छाती पर बैठे हैं। जब सड़क पर बैठे हैं तो सरकार की छाती पर बैठे हैं, तो ऐसी सड़क चांदपुर की ऐसी धनौरे की, जहाँ भी जो होगा किसान वो आंदोलन में बिल्कुल तैयार खड़ा। आज काली पट्टी बांधकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, भूख हड़ताल भी हो रही है, उसका क्या वो? ये भूख हड़ताल तो यूं करी जा है, बस थोड़ा सा पेट वूट भी सही हो जा, मशीनरी किसान की सही हो जा। अन्य टिकैत साहब का कहना तो ये होता है कि भूखे लड़े नहीं करते। दूसरी बात जो ये जब छक्कों को नहीं बूझ रहा कोई, तो भूखों कौन बुझ जाए?
ये 100 किसान खत्म हो गए अब तक, 100 से ऊपर। जब मरने वालों को नहीं बूझ रहे तो भूखो कौन बूझ रहा। तो यो तो एक है, मतलब एक सिस्टम है, काली कत्तर बांध लो, काला झंडा दिखा दो। लेकिन ये काली कत्तर और झंडे से नहीं डरने वाले, क्योंकि एक बुजुर्गों की कहावत थी, वो कह देते भाई यो दाल काली, बस दाल में काला कुछ, तो बड़ा शक होता है ना दाल में काला भाई। और जहाँ सहरी दाल ही काली हो, इन्होंने सहरी दाल ही काली कर रखी, तो इसमें क्या कहना सुनना है। तो महायुद्ध है लंबा, तकवाली कोई बात ही नहीं। हाँ जना, कितना लंबा यो चलेगा। कोई कहना ना, भाई चुनाव जीतेंगे, जीत जाओ या हार जाओ, हमें इससे कोई मतलब लेना देना इनका नहीं है। हमारा आंदोलन जिस चीज के लिए है, उस चीज को बगैर खत्म कराओ। हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होने का, यो हमें पूर्ण विश्वास अपने नेताओं पर। ये विरोध प्रदर्शन करने का किसानों का एक नया तरीका है, भूख हड़ताल। जी हाँ, सरकार अगर माने तो ये भूख हड़ताल पहले से होती है, ये नहीं तो करते चले आए किसान कर रहे हैं, तो क्या बात है। अरे चुन चुनकर देश को बेच रहे, आज से बड़ी पुरानी है। चुन चुनकर देश को बेच रहे, आज से बड़ी पुरानी है। अरे बड़े प्यार से गुलाम बनाया, अरे बड़े प्यार से गुलाम बनाया, इतना शक और सुलतान नहीं देखा। आजादी के बाद देश ने ऐसा पियर नहीं देखा। जनता की अदालत में सेना ये जवाब होगा। रात दिन बढ़ती हुई महंगाई नहीं दिखती, अरे रात दिन बढ़ती हुई महंगाई। अब सड़कों पे सैलाब होगा, झूठे वादे किए तुमने, इसका भी हिसाब होगा। जनता की अदालत में सेना ये जवाब होगा, किसान होगा। जनता की अदालत में देना ये जवाब होगा। जय श्री राम कहते तुम राम पार देश के, जय श्री राम कहते तुम राम पार देश के। राजनीति में भगवानों का, राजनीति में भगवानों का, अपना क्रेड मार्ग होगा। वादे किए तुमने देना ये हिसाब होगा। जनता की अदालत में देना ये जवाब होगा।